हे प्रभु राम चौधरी जी, मंत्री जी, आप, ये खबर आपके लिए है, इसलिए आपको ही समर्पित है, क्योंकि ये आपके इलाके की खबर है। जुगाड़ तुगाड़ या दबाव से मंत्री तो आप बन गए हैं, अब जरा जनता की तरफ अपनी जिम्मेदारियां भी निभा लीजिए। आप भूल गए हो तो हम आपको बता दें कि आप स्वास्थ्य मंत्री हैं और आपके पास डॉक्टर की डिग्री भी है। फिर भी पूरे प्रदेश को तो छोड़िए साहब, आप अपने क्षेत्र को कोरोना महामारी से संभाल नहीं पा रहे हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर शायद आप शर्मसार हो जाएं, और हे प्रभु अगर थोड़ी शर्म आ जाए तो अपने क्षेत्र की बदहाली की ये तस्वीरें बदल डालिएगा, नहीं तो अगली बार जनता आपको बदल डालेगी। हे प्रभु आप देख रहे हैं ना, इन तस्वीरों में एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला एक प्राइवेट क्लिनिक से निकलकर अपने नाती का सहारा लेकर ठेले पर बैठ रही है, और बुजुर्ग महिला का नाती ठेला धकेल रहा है। हे प्रभु आपको बता दें, ये युवा ठेला नहीं ढकेल रहा बल्कि आपका सिस्टम ढकेल रहा है। हे प्रभु राम चौधरी आपको बता दें, ये बुजुर्ग महिला अपने नाती के साथ ठेले पर क्यों गई? तो हे प्रभु राम चौधरी, डॉक्टर साहब और हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, सुनिए, इन 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को सामान्य सर्दी खांसी जुखाम सिर दर्द था, ये सारे कोरोना के लक्षण हैं। तो किसी भी पब्लिक कन्वेंस वाले ने, यूं कहें कि ऑटो या रिक्शा वाले ने उन्हें बैठाने से मना कर दिया। एक तो यहाँ मानवता शर्मसार हुई और दूसरी तरफ जाहिर हो गया कि आपके सिस्टम का भट्टा बैठा हुआ है। ये तस्वीरें मामूली सी नजर आती होंगी, कई बार देखने में भी आई होंगी, लेकिन इस महामारी में, इस कोरोना जैसी महामारी में, ये तस्वीरें सिस्टम की धुंधली पड़ी तस्वीरों को साफ कर रही हैं। पहले ये तस्वीरें आप जरा ध्यान से देखिए, उसके बाद हम कुछ सवालों का जवाब भी आपसे चाहेंगे। यह वीडियो देखने के बाद हर किसी के मन में कुछ सवाल खड़े होते हैं। सो हे प्रभु राम चौधरी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी, चूंकि मामला आपके क्षेत्र का है तो सवाल भी आप ही से है। पहला सवाल, किल कोरोना अभियान के तहत सर्दी जुखाम बुखार वालों का सर्वे आपके क्षेत्र में क्यों नहीं हो रहा? क्यों एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को, जो अपने सिस्टम के बोझ तले झुककर चल रही है, खुद चलकर जाना पड़ा? दूसरा सवाल मंत्री जी, आपके सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं क्यों नहीं हैं? क्यों एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को एक प्राइवेट क्लिनिक तक जाना पड़ा? तीसरा सवाल, क्या मरीजों को लाने ले जाने के लिए आपके क्षेत्र में कोई साधन नहीं है? क्यों एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को ठेले पर सवार होकर जाना पड़ा? कहां है स्वास्थ्य मंत्री के इलाके की एम्बुलेंस सुविधा? हर जगह मुख्यमंत्री खुद नहीं पहुंच पाते, इसीलिए विभाग बांटे जाते हैं। सभी मंत्रियों को अपने क्षेत्र की जिम्मेदारियां दी जाती हैं, और आप तो पेशे से डॉक्टर हैं, कोरोना महामारी की गंभीरता को समझते होंगे, मगर हे प्रभु राम चौधरी, हमारे प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जी, आपने पार्टी बदली, मंत्री पद नहीं छोड़ा, तो अनुभव तो कोई कम नहीं होगा आपके पास, तो अनुभव की कोई कमी भी नहीं होगी, तब भी इतने बदतर हाल हैं, जिसके सीधे जिम्मेदार आप खुद हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री की विधानसभा में सर्दी जुकाम बुखार वालों का सर्वे नहीं हुआ, तो फिर दूसरे क्षेत्रों में क्या हो रहा होगा? मध्य प्रदेश में किल कोरोना अभियान चल रहा है, जिसके तहत डोर टू डोर सर्दी जुकाम बुखार वाले मरीजों का सर्वे किया जा रहा है, उनको दवाइयां दी जा रही हैं, और जरूरत पड़ने पर उनको आइसोलेट भी किया जा रहा है। मगर सवाल ये भी है, क्या ये 100% काम हो रहा है, या होर्डिंग और अखबार के विज्ञापन तक ही सीमित है? अगर सच में हो रहा है तो ऐसी तस्वीरें बाहर क्यों आती हैं? कोरोना काबू में क्यों नहीं आ रहा है? बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर वो कौन सा डर है जिसकी वजह से ये महिला सरकारी अस्पताल में दिखाने की जगह प्राइवेट अस्पताल पहुंच गई? हे प्रभु राम चौधरी, आपसे निवेदन है, वोट मांगने आप डोर टू डोर गए थे, एक एक के आगे हाथ जोड़े थे, बुजुर्गों के पैर भी पड़े थे,
तो अब जरा अपने क्षेत्र में डोर टू डोर अपने वोटरों के स्वास्थ्य का हालचाल जानने भी चले जाइए, नहीं तो ये पब्लिक है उखाड़ फेंकने में वक्त नहीं लगाती। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।